पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लेने के साथ ही देश में कोरोना वायरस के हालात पर भी चर्चा की गई। बाद में पीएम मोदी ने अलग से एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। मंत्रिमंडल की बैठक में एयर इंडिया में प्रवासी भारतीयों के लिए 100% FDI को मंजूरी दी गई। पहले ये सीमा 49% तक थी, अब कोई भी भारतीय एयर इंडिया की 100% इक्विटी खरीद सकता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। यह बिल एक्ट के तहत आने वाले आपराधिकता को हटाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के विलय से ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अप्रैल 2020 तक विलय की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 10 बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया जाएगा। चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और दूसरे कई देशों के बाद भारत में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आने शुरू हो गए। नया मामला गुरुग्राम में पेटीएम के कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र परीक्षा भवन में फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर स्कूलों के लिए परामर्श जारी किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर नगर के अधिकारियों के साथ जिला योजना समिति की बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित किए गए विकास कार्यों की अधिकतम धनराशि प्राप्त करके जनता की जरूरतों के हिसाब से खर्च की जाए। मेरठ में जल शक्ति मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा की सचिव यूपी सिंह की अध्यक्षता में जल संरक्षण संबंधित विषय पर एक कार्यशाला की गई। बैठक में जल संरक्षण के बारे में चर्चा की गई, जिससे तालाबों नदियों का जल संरक्षण हो सके। निर्भया मामले में आज फैसले का दिन है। दिल्ली हाईकोर्ट आज 4 दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करेगा। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4थे दोषी पवन की दया याचिका को खारिज कर दिया था। 3 दोषियों की दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सभी जिला अदालतों को 1 अप्रैल 2020 से बिना एडवोकेट रोल नंबर के वकालतनामा स्वीकार न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता क्लर्क को अपना पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर सोनभद्र जिला मुख्यालय पर एक वृहद जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में आए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जहां महिलाओं के लिए विभागों से जुड़ी जानकारियों के माध्यम से उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर होने की सलाह दी। जनपद ललितपुर में सरकार के प्रयासों से अब यहां की महिलाएं भी अपना उद्यम स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार देने का काम करने लगी हैं। ललितपुर जनपद में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का पूरा लाभ यहां की बेरोजगार महिलाओं को मिलने लगा है। वाराणसी में कलेक्ट्री फार्म स्थित कृषि भवन में 2 दिवसीय किसान मेला लगाया गया। इसका उद्घाटन रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने किया। इस किसान मेले में 5 मंडलों के कुल 12 जिलों के किसानों ने भाग लिया। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत RBS के कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अब तक लगभग 401 बच्चों के दिल में छेद का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। हंसी छिछड़ोली, गाली, अबीर, गुलाल और लाठियों से होली खेली गई।